नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर इस वक्त आ रही है। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को 3 ट्रेनों की एक भीषण ट्रेन दुर्घटना में अब तक 280 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। 900 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें से कई लोगों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। मौके पर भीषण बचाव कार्य जारी है। इसी बीच मानवता की मिसाल देने वाली कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिसमें घायलों को रक्तदान करने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इसके अलावा राहत और बचाव कार्य में टीमों के साथ स्थानीय लोग भी मदद करने में लगे हुए हैं। कुछ तस्वीरें सामने आई है, जिनमें दिख रहा है कि हालात ये हैं कि अस्पतालों में रक्तदान करने वालों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। बताया गया है कि बालासोर में रात भर में 500 यूनिट खून एकत्रित किया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वहां युवाओं की भीड़ जमा है और लंबी लाइन लगी है। युवाओं के हाथ में फॉर्म दिख रहा है, कुछ 2 घंटे से खड़े हैं तो कोई 4 घंटे से खड़ा है। ये युवा हैं जो मेडिकल कॉलेज में ब्लड डोनेट करने आए हैं। भारत में मानवता की मिसाल देखने को मिल रही है। बता दें कि भारत को हिला देने वाली यह दुर्घटना शुक्रवार शाम कोलकाता से 250 किलोमीटर दक्षिण और भुवनेश्वर से 170 किलोमीटर उत्तर में बालासोर जिले के बहनागा बाजार स्टेशन के पास हुई है। हादसे के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 1 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। वहीं रेलवे ने इस हादसे के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, जबकि घायलों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मामूली रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए भी दोस्तों दिए जाएंगे। लेकिन बहुत ही भीषण ये दोस्तों हादसा हुआ है, जिसमें 3 ट्रेनें हादसे का शिकार हो गई हैं। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। NDRF की टीम और दोस्तों वायुसेना के अब 17 हेलीकॉप्टर रवाना हो गए हैं। इसके अलावा लोकल पुलिस भी दोस्तों काम कर रही है और स्थानीय लोग भी मदद करने में लगे हुए हैं। बहुत बुरी खबर इस वक्त आ रही है, बीजेपी ने सारे कार्यक्रम आज रद्द कर दिए हैं इस ट्रेन हादसे को देखते हुए। अगर आप भी वहां के लोकल निवासी हैं तो रक्तदान जरूर करें, ताकि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। कमेंट बॉक्स में ओम शांति ओम जरूर लिखें।